अपनी काव्य यात्रा की चार पंक्ति माता पिता के चरणों में समर्पित करता हूँ। देखिए, मैं राधे श्याम कहता हूँ, मैं सीताराम कहता हूँ, मैं राधे श्याम कहता हूँ, मैं सीताराम कहता हूँ, वही भगवान है मेरे, सुबह से शाम कहता हूँ। न मैंने द्वारिका देखा, नहीं रामेश्वरम देखा, पिता माता के चरणों को मैं चारों धाम माता पिता के बचपन के संस्कार थे, वो बताया करते थे कि रामायण में जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, नल और नील जो दो बानर थे, बड़े बड़े पत्थरों और बड़े बड़े शिलाओं में जब राम प्रभु का नाम लिखते थे तो वो पत्थर तैर जाते थे। तो माता पिता जी मुझे उपदेश दिया करते थे कि यदि तुम भगवान श्री राम का नाम जपोगे तो तुम भी भवसागर से पार हो जाओगे। उन्हीं संस्कारों से चार पंक्ति निकाल के लिखा हूं आप लोगों के लिए। स्वागत। जहां भगवान सबरी के भी जूठे बेर खाते हैं, जहां भगवान सबरी के भी जूठे बेर खाते हैं, अहिल्या तार कर जग में धर्म अपना निभाते हैं, तुम्हारा नाम जपता हूं मेरा उद्धार कर दो तुम, तुम्हारे नाम लिखने से तो पत्थर तैर जाते। क्या बात है, मजेदार तालियां से उत्तर पर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और तुलसीदास जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि राम नाम में कितनी महिमा है, सुनिए। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी मरा मरा बोलते थे और वो ब्रह्म के समान हो गए, तो क्या हम एक बार जोरदार राम बोलेंगे तो हम भवसागर से तार नहीं होंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और मैं आप लोगों को बता दूं, कविता का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं होना चाहिए। इतिहास गवाह है, द्वापर त्रेता और कलियुग में ऐसे बहुत से महाकाव्य लिखे गए हैं जिनके माध्यम से समाज में एक सार्थक संदेश दिया गया है। उन्हीं महाकाव्यों का सार मैंने एक मुक्तक में लिखने का प्रयास किया हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। जमाने में बहुत सच्चे कहां इंसान मिलते हैं, जमाने में बहुत सच्चे कहां इंसान मिलते हैं, बिना भक्ति तपस्या के कहां वरदान मिलते हैं। लिखो रसखान मीरा सा, लिखो रसखान मीरा सा, लगन सबरी के जैसी हो, करो पहलाद सी भक्ति, तभी भगवान मिलते हैं, तभी भगवान मिलते हैं। और जब भगवान की बात हो तो भगवान की मर्जी के बिना तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता, तब चार पंक्ति लिखने का प्रयास किया हूं। गुलिस्ता में कोई गुल भी कहीं पर खिल नहीं सकता, गुलिस्ता में कोई गुल भी कहीं पर खिल नहीं सकता, बिना भगवान की मर्जी के पत्ता हिल नहीं सकता। जमाने में मेरे यारो करो तुम लाख कोशिश भी, नहीं है जो मुकद्दर में तुम्हें वो मिल नहीं सकता, तुम्हें वो मिल नहीं सकता। लेकिन भगवान ने मुकद्दर और तकदीर रूपी ताला खोलने के लिए मनुष्य को एक कुंजी दी है, उस कुंजी का नाम होता है कर्म। यदि आप कर्म करोगे तो अपने हाथों की लकीर और मुकद्दर को बदल सकते हो। तब चार पंक्ति इसके उत्तर में लिखने का प्रयास किया हूं। नहीं है पैर जिनके वो, नहीं है पैर जिनके वो जमाना घूम लेते हैं, नहीं है पैर जिनके जमाना घूम लेते हैं, सफल होकर मेरे यारों खुशी से झूम लेते हैं, वो हाथों की लकीरों को बदलकर कर्म से अपने, वो हाथों की लकीरों को बदलकर कर्म से अपने, बनाकर सीढ़ियां खुद ही गगन को चूम लेते हैं, गगन को चूम लेते हैं। हमारी हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। अरुणिमा सिंह को देखिए, वो विकलांग हो गई थी, एक पैर नहीं है, लेकिन वो भारत की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। एक बार जोरदार ताली सम्मान में बना दीजिए। और कहना चाहता हूँ साहब, क्या होता है धन दौलत के पीछे भागने से, क्या क्या होता है और क्या नहीं होता, वो देखिए।
गरीबी में गरीबों का अरमान बिकता है। वाह सुनो, दिन के उजालों में यहाँ ईमान बिकता है, यहाँ दौलत से बढ़कर कुछ नहीं होता मेरे यारों, मिलेगा दाम अच्छा तो यहाँ इंसान। क्या बात है, बहुत सुंदर है। धन दौलत के पीछे भागने से कुछ नहीं होता, हमने बहुत से ऐसे उदाहरण देखे हैं। यदि ऊपर जाना है तो खाली हाथ जाना है, कुछ नहीं जाता तब चार पंक्ति लिखा हूं, कोई तो जिंदगी भर बस यहाँ दौलत कमाता है, कोई तो जिंदगी भर बस यहाँ दौलत कमाता है, कोई तो पेट भर खाना गरीबों को खिलाता है, कफन में जेब तो होती नहीं मेरे यारों, जमाने में सिकंदर हो या अकबर हो वो खाली हाथ जाता है, वो खाली हाथ जाता है। और बचपन से सिखाया जाता है कि हमें किसी के भी एहसान को नहीं भूलना चाहिए, तब चार पंक्ति लिखाऊं। जी जी, अंतिम चार पंक्तियां जो मैंने आदरणीय जगदीश जी मित्तल जी के लिए लिखा हूं वो आपको सुनाता हूं। करो कुछ काम ऐसा भी तुम्हारा नाम हो जाए, तुम्हारे नाम लेने से जहां सब काम हो जाए, करो भक्ति तपस्या और तुम उपकार जीवन में, जहां तुम बैठ जाओ तो वो पावन धाम हो जाए, वो पावन धाम हो जाए। आदरणीय जगदीश बाबू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की।